अगर आप ड्रीम इलेवन में टीम लगाते हो 5 से 10 टीम, तो फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ड्रीम इलेवन में टीम लगाने का सही तरीका बताने वाला हूं, और एक ऐसा आपको टीम बना के बताऊंगा जो कि आप लगातार 5 से 10 मैच में लगाते हो तो एक ना एक मैच बम्पर प्राइज जीतोगे। वीडियो को देखिएगा तो आपको 100% विश्वास हो जाएगा, तो अच्छे से देखिएगा और आप ड्रीम इलेवन से ही पता कर सकते हो पिच रिपोर्ट कैसा है, बैटिंग ऑर्डर कैसा है, यहाँ पे एवरेज रन कितना लगता है, यहाँ तक कि हेड टू हेड परफॉर्मेंस कौन सा है, और इस पिच पे जो भी प्लेयर खेल रहा है उसका बैटिंग ऑर्डर कैसा रहता है और वो किस हिसाब से बैटिंग करने के लिए आएंगे, बॉलिंग कौन करेंगे, ऑलराउंडर कौन है, ये सभी आप ड्रीम इलेवन से ही पता कर सकते हो। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, और जो टीम आपको बता रहा हूं अगर 5 से 10 टीम लगाते हो तो एक टीम लगा सकते हो, थोड़ा रिस्की होगा, हर एक मैच में रिस्की तो होगा, लेकिन एक ना एक मैच में T20 के लिए खास करके जीतोगे जरूर। तो वीडियो को देख लीजिएगा, देखने में क्या जाता है आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं ड्रीम इलेवन पे। तो देखिए दोस्तों, हमने ड्रीम इलेवन पे आ गया और उदाहरण के लिए अभी का मैच हम देख लेते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच है जो कि T20 है, और इस मैच में अभी लाइनअप के समय आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सभी आप लाइनअप के समय पता कर सकते हो, बैटिंग ऑर्डर और ये सभी। तो देखिए दोस्तों, यहां से आ जाने के बाद क्रिएट टीम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, फिर देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि पिच कैसा है, मतलब किसके लिए यहां पे ज्यादा मददगार मिले, स्पिनर या फास्टर को। तो यहां पे आपको दिखेगा पिच जो है वो गुड फॉर पेसर्स, मतलब इस पिच पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगा, तो अपनी टीम में आप पेसर्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ध्यान यहां पे एवरेज देख सकते हो 150 का, मतलब यहां पे विकेट्स ज्यादा गिरता है, 150 का एवरेज समझ सकते हो, T20 बहुत कम होता है तो यहां पे विकेट ज्यादा गिरता है। और देखिए दोस्तों, यहां पे क्लिक करके और यहां से और कुछ देख सकते हो, जैसे इस वाले ऑप्शन पे हम पहले क्लिक कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि यहां से गाइड वाले ऑप्शन पे, और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों मैच स्टेट्स वाले ऑप्शन पे चले जाएगा। अब देखिए दोस्तों, रिसेंटली 5 मैच का इसका रिकॉर्ड देख सकते हो, तो यहां पे देख सकते हो 5 में 4 मैच हार गया है साउथ अफ्रीका, इंडिया 1 मैच हारे और 4 मैच जीत गया है। ध्यान देखिए दोस्तों, इस पिच की बात कर लेते हैं तो ये पिच का यहां पे आपको नाम दिख जाएगा, साउथ अफ्रीका का पिच है। ध्यान यहां पे देख सकते हो, पिच जो है ना बैटिंग के लिए काफी अच्छा है और यहां पे गुड फॉर पेसर्स, मतलब पेसर्स को ज्यादा मदद मिलता है इस पिच पे। और यहां पे आप देख सकते हो जो यहां पे वेदर रिकॉर्ड है, और देखिए दोस्तों यहां पे एवरेज देख सकते हो 150 का है, और इस पिच पे जो भी पेसर्स है ना, यहां पे टोटल 61 विकेट गिरा हुआ है इस पिच पे, जो भी मैच हो रहा है वहां पे T20 में पेसर्स को यहां पे 34 विकेट मिलता है और यहां पे स्पिनर्स को देख सकते हो 27। ये सभी आप यहां से ड्रीम इलेवन से पता कर सकते हो। यहां पे व्यू मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से और डिटेल्स में आपको समझ में आएगा, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। आप देखिए दोस्तों, यहां पे टॉप प्लेयर जो एट दिस वेन्यू में जो है यहां पे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन रहते हैं, तो यहां पे हेंड्रिक्स जो है ये काफी इंपोर्टेंट है, मिलर और एडिन मकरम जो कि सभी साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, मतलब इस पिच पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है। देख सकते हो एवरेज 121 का, 5 मैच में 121 का एवरेज है, और यहां पर देख सकते हो 5 मैच से 158, 5 मैच में 114 का एवरेज है इनका। तो इस पिच का एवरेज देख सकते हो, देन सॉरी यहाँ पे स्ट्राइक रेट देख सकते हो, और देन यहाँ पे एवरेज यहाँ पे इनका आपको यहाँ से शो हो रहा होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप बॉलर का देखेगा तो कॉटेजी का देख सकते हो, शमसी का देख सकते हो, और बार्टी मैन का देख सकते हो, ये सभी का आप यहाँ से देख सकते हो इकोनमी और विकेट्स कितना मिलता है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो 5 मैच में 1.6 विकेट यहाँ पे इनका एवरेज रहा है। देन यहाँ पे इकोनमी 7.5 का, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस पिच पे, ये सभी आपको समझना जरूरी है। देन आप टीम लगाइए, उसके बाद देख सकते हो टॉस, यहां पे टॉस विनिंग ऑप्शन फर्स्ट यहां पे अच्छा रहेगा, और टीम बैटिंग सेकंड यहां पे आपके लिए जो रहेगा यहां पे शो हो जाएगा। ध्यान देखिए दोस्तों, यहां पे इस पिच पे टोटल यहां पे 14 मैच खेला गया, जिसमें देख सकते हो इंडिया जो है यहां पे 7 मैच जीते हैं और 6 मैच यहां पे साउथ अफ्रीका जीता है, और यहां पे रिजल्ट देख सकते हो नो रिजल्ट भी एक रहा है, जो कि पिछला ही मैच था जो कि टाई हो गया था। देन यहां पे व्यू रिसेंट मैच पे देख सकते हो, तो यहां से आप ये सभी रिकॉर्ड देख सकते हो कि इंडिया यहां पे किस हिसाब से जीता, और रन एवरेज देख सकते हो 137-200 27, और यहां पे ये सभी आप एवरेज देख के इस हिसाब से आप टीम लगा सकते हो। ध्यान देखिए दोस्तों, ये सभी तो यहां से आप देख सकते हो। उसके बाद हम बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद आपको हम दिखा देते हैं, आप ड्रीम इलेवन पे आ जाइए, ये सभी आपको देख लेना सबसे पहले। अब यहां पे लाइनअप का समय है, तो यहां से आप चेक कर सकते हो बैटिंग ऑर्डर। ध्यान देखिए दोस्तों, यहां से आप देख सकते हो लाइनअप वाला, यहां पे लाइनअप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां से कौन कौन सा प्लेयर खेल रहा है। तो यहां से देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पे साउथ अफ्रीका का देख सकते हो बैटिंग ऑर्डर, इसी हिसाब से रहने वाला है। सबसे पहले यहां पे टॉस आपको देख लेना है, साउथ अफ्रीका इलेक्टिव फील्ड पस, मतलब यहां पे क्या होने वाला, साउथ अफ्रीका फील्डिंग करेगा तो बैटिंग कौन करने वाला, इंडिया यहां पे बैटिंग करेगा। अब जैसे यहां पे इंडिया बैटिंग करेगा तो यहां से कौन कौन से प्लेयर को आपको लेना वो आपको दिखा देते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, इंडिया बैटिंग करेगा तो यहां पे लाइनअप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना, और यहां से आपको प्लेयर का देख सकते हो कि यहां से कौन ऑर्डर में बैटिंग करने वाला। जैसे देखिए दोस्तों, इंडिया जयसवाल और सुमन गिल ओपनिंग करेंगे, देन यहां पे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, यही रहेगा बैटिंग का लाइनअप। देन यहां पे आर सिंह को देख सकते हो, जयंत शर्मा, जटेजा,
कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, ए सिंह और यहाँ पे मुकेश कुमार, इस हिसाब से इनका बैटिंग। देन यहाँ पे साउथ अफ्रीका देख सकते हो बैटेज के, और यहाँ पे हेंड्रिक्स ओपनिंग करेगा, मकरम क्लासन, इस हिसाब से इनका भी बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है। और यहाँ से आप देख सकते हो, देखिए दोस्तों ये सभी तो यहाँ पे हो गया, और अनअनाउंस्ड प्लेयर का देख सकते हो नीचे में, तो ये सभी प्लेयर को तो आपको नहीं छूना, ये सभी प्लेयर में से लेना। अब हमको आपको हम बता दें कि एक ट्रिक आपको बोले थे कि जो कि आपको टीम लगाना है, आप यहाँ से देख सकते हो बैटिंग ऑर्डर, आप पाँच छः टीम अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। लेकिन हर एक मैच में एक आप जरूर गौर किए होंगे कि जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है उसके टॉप ऑर्डर, मतलब जो भी टॉप ऑर्डर बैटर्स है, ये सभी अच्छा खेल के चले जाते हैं और यहाँ से 120 या 130 रन बना पाते हैं, जिससे क्या होता है कि सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग करने आता है ना, वो टॉप ऑर्डर ही इनका जिता देता है, मतलब तीन नंबर तक का प्लेयर यहाँ का जिता देता है। कभी कभी ये भी होता है कि यहाँ से ये दोनों ही जिता के चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जो भी मैच लगाते हो, खास करके T20 में ये अच्छा करता है, तो यहाँ से आप टॉप ऑर्डर को यहाँ से चयन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी चयन कर सकते हो। तो जो भी इनके टॉप ऑर्डर है उन सभी बैटर्स को ले लेना। यहाँ से देखिए, जैसे हम चार को टॉप ऑर्डर को ले लिया, और यहाँ से देखिए दोस्तों फर्स्ट इनिंग में ये बैटिंग कर रहा है, और बॉलिंग कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। फिर यहाँ से नीचे से आप साउथ अफ्रीका के जो मेन बॉलर आपको लग रहा होगा, यहाँ से चार बॉलर को पिक कर लेना, जैसे मार्को जॉनसन हो गया, यहाँ पे इनका अच्छा रिकॉर्ड था, कॉटेजी और एल विलियमसन को छोड़ के यहाँ पे आप शम्सी को ले सकते हो। यहाँ से इनके चार बॉलर को ले लीजिएगा, जिससे क्या होगा, चार चार आठ प्लेयर हो गया, अब बच गया आपका तीन प्लेयर। तो तीन प्लेयर में थोड़ा आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से आपके लिए ये दोनों ओपनर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि खास कर क्या होता है कि ओपनर ही जिता देते हैं मैच। तो यहाँ से ओपनर को ले लेना, और विकेट कीपर में यहाँ से आप हेनरिक क्लासन को ले सकते हो, या इंडिया का जयंत शर्मा को ले सकते हो, यहाँ से पिक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर भी यहाँ पर जिता सकता है, तो इन दोनों को लेके और यहाँ से इनके बैटर को ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पर हम ले लिए, अगर यहाँ पर थोड़ा आपको डॉट लग रहा है तो सूर्य कुमार यादव को छोड़ के, मतलब एक प्लेयर को आपको बीच में छोड़ देना। तो जैसे हम यहाँ पे ये प्लेयर को छोड़ दिए, एक प्लेयर को यहाँ से छोड़ दिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एडिन मकरम को ले लेंगे या हेनरिक क्लासन को, मतलब एक विकेट ज़्यादा गिर सकता है। इस हिसाब से आप थोड़ा गेस कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर मैच में ये भी होता है कि टॉप ऑर्डर इनके बैटर्स बना देते हैं, मतलब 30-20-50 ऐसे करके 120 पे ऑल आउट हो गए, तो बॉलर तो विकेट यही लेगा, बैटिंग ये करके रन मारेंगे, तो इससे क्या होगा, ये दोनों का तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब क्या होगा, सेकेंड इनिंग में जैसे ही ये बैटिंग करने के लिए इनका टॉप ऑर्डर ही मार दिए, मतलब कम रन रहेगा तो टॉप ऑर्डर ही जिता देते हैं, ऐसा होता है। लास्ट 10 मैच देखिएगा तो एक मैच ऐसा हो जाता है कि टॉप 3 बैटर्स ही मैच जिता जाते हैं सेकंड इनिंग में, खास करके ऐसा ट्रिक आपको लगेगा। तो इस हिसाब से आपको रख सकते हो, यहां पे एडन मकरम को आप रख सकते हो, तो इस हिसाब से आपका टीम भी बन गया। अगर थोड़ा आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहां पे क्या कर सकते हो, शम्सी को हटा के और इनके ऑलराउंडर को ले सकते हो, जैसे जडेजा एक विकेट जैसे गिर रहा है तो इसके ऑलराउंडर भी एक विकेट ले सकता है, तो यहां से जडेजा को पिक कर सकते हो, और सेम ऐसा टीम आप लगा के 100% जीत सकते हो, क्योंकि इनके भी ऑलराउंडर को ले लिए, ये भी बॉलिंग करने वाले और यहाँ पे इनका सभी बॉलर करने वाला, सेम इस हिसाब से टीम लगा लेते हैं। अभी आपको बता दें कि ये तो टीम लगा लीजिएगा, थोड़ा आपको चेंजेस कर लेना है, और देन यहाँ पे नेक्स्ट वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आगे बढ़ देना। अब देखिए दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन इस स्थिति में कैसे बनाना है, तो देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपको लग रहा है कि सेकेंड इनिंग में वो दोनों ओपनर ही जिता देगा, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, हेनरिक्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन इनको कर सकते हो, जो भी इनका टॉप ऑर्डर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं कर सकता और सेकेंड वाला तक मैच जाएगा, तो आप हेनरिक्स को कप्तान करके वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को कर सकते हो, मार्को जॉनसन को कर सकते हो, थोड़ा रिस्क भी रहेगा तो आपको यहाँ पे पॉइंट रिकवर हो जाएगा, मतलब हारे का चांस रहेगा, तो इस हिसाब से आपका टीम अच्छा बन जाएगा। अगर मार्को जॉनसन 3 विकेट ले लेता और टॉप ऑर्डर ही जिता देते हैं, 3 टॉप ऑर्डर 120 के अंदर में, तो फिर आप अच्छा से अच्छा पॉइंट लेके और जीत सकते हो, जीतने का चांस बन जाएगा। तो हमारा मेन यही था कि आपको हम ये समझाना हमको था लाइनअप के बारे में, कि इस हिसाब से अभी आप एक ऐसा टीम बना सकते हो, वैसे 5-6 टीम आप स्टार्ट देख के अच्छे से बना लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प ही होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हो फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।